कहते बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है, और ऐसा ही कुछ हुआ महाराष्ट्र के सांगली डिस्ट्रिक्ट में, जहां एक्सिस बैंक के इस एटीएम के अंदर पूरे का पूरा बुलडोजर लेकर चोर घुस गए। इस एटीएम मशीन में 27 लाख रुपए थे और पूरे का पूरा मशीन उठा लेने के बाद ये चोर जब वापस जा रहे थे तो उनकी जेसीबी एक बड़े से पॉटहोल में फंस गई और बहुत कोशिशों के बाद भी निकल नहीं पाई। पकड़े जाने के डर से ये चोर एटीएम मशीन और जेसीबी दोनों को वहीं छोड़ के चले गए। और ताज्जुब की बात तो ये है कि बुलडोजर भी चोरी का था। ये घटना सैटरडे यानी 23 अप्रैल की है। पुलिस ने एटीएम मशीन को तो रिकवर कर लिया है, पर चोर अब तक फरार है। अब तक ये भी पता नहीं चला है कि एटीएम में सिक्योरिटी गार्ड था कि नहीं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग सांगली के लॉ एंड ऑर्डर और म्युनिसिपैलिटी दोनों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि अगर पूरे का पूरा एटीएम मशीन चोरी हो सकता है तो कुछ भी चोरी हो सकता है, और अगर पूरे का पूरा बुलडोजर गड्ढे में फंस सकता है तो सांगली के रोड्स पर क्लियरली कोई भी व्हीकल सेफ नहीं है। आपके जो भी थॉट्स हैं मुझे कमेंट में बताइए।